काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप कोई बाय कर रहे हो नेक बैंड ईयरफोन्स। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपने पैसे वेस्ट करें गलत चीज खरीदने में, तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आज हम कंपेयर करेंगे Realme Buds Wireless 2 Neo और OnePlus Bullets Wireless CPS Edition। Hey, what's up? मेरा नाम है शिवम और मेरे पास यहाँ पर शिपिंग पैकेजेस, रिटेल पैकेजिंग आ चुके हैं यहाँ पर, तो इसको एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं दोनों को। स्टार्ट करेंगे डिजाइन के साथ, तो मैं कहूंगा Realme Buds Wireless 2 Neo इज वेल डिजाइंड ईयरफोन्स। हमारे को यहाँ पर फोल्डेबल नेक बैंड मिलता है जिसको आप आसानी से फोल्ड करके पॉकेट में डाल सकते हो, और यहाँ पर इसके दो मॉड्यूल्स दिए हुए हैं एंड के ऊपर जो कि टिपिकल नेक बैंड ईयरफोन्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं जैसे कि प्ले पॉज, चेंज ट्रैक्स या बाकी सब फंक्शंस। और एक डिटेल यहाँ पर देखने वाली वो ये है कि इसके अंदर टेक्सचर्ड लाइंस हैं मॉड्यूल्स के ऊपर, तो इससे काफ़ी बढ़िया लगता है ये। अब बिल्ड क्वालिटी साइड में कहूँगा कि ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं इसको एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। भाई साहब, एक महीना, मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, अब तक कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। और डिज़ाइन वाइज मैं कहूँ तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेक बैंड है इसके अंदर और काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करता। हालांकि इसके अंदर कोई मॉड्यूल्स टेक्सचर्ड लाइंस नहीं है, पर ये प्लेन वाली भी काफ़ी प्रीमियम लगती हैं। अब बात करें कंफर्ट और फिटिंग की, तो मैं कहूँगा ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी सिलिकॉन ईयर टिप्स। मैं इसको आसानी से लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए सुन सकता हूँ गाने, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट पार्ट है इसकी फिटिंग, क्योंकि जो इसकी जो शेप इन्होंने बनाई है वो कुछ कुछ इनसाइड ऑफ द ईयर के हिसाब से बनाई है, तो ये बिल्कुल एकदम स्नगली फिट हो जाते हैं आपके ईयर्स के ऊपर, तो अगर आप लाइट रनिंग करते हैं वॉकिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ठीक है कि फिटिंग साइड स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी तरफ, पर इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगा सकते तुम, क्योंकि इसके जो सिलिकॉन एयर टिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम्फी हैं। मैं आसानी से इसको पूरा पूरा दिन सकता हूँ बिना किसी पेन या डिसकम्फर्ट के, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक। अब फीचर साइड हमारे को मिलते हैं मैग्नेटिक बड्स विद ऑटो ऑन एंड ऑफ, और जैसे ही आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उससे आपका प्लेबैक पॉज हो जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के लिए हमारे को मिलती है IPX4 वाटर रेटिंग। और एक एक्सक्लूसिव फीचर हमारे को यहाँ पर रियलमी प्रोडक्ट्स पे ये देखने को मिलता है आजकल, वो है सपोर्ट फॉर दी रियलमी लिंक ऐप, जहाँ पर आप जाके सेट कर सकते हो कि मल्टीफंक्शन बटन्स क्या करें, या फिर आप गेमिंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप अपडेट भी कर सकते हैं फर्मवेयर, और आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं साउंड टाइप। अब बड्स वायरलेस 2 नियो की तरह इसके अंदर भी मैग्नेटिक बड्स दिए हुए हैं, तो जैसे ही इसका आप कनेक्ट करेंगे तो ये ऑफ कर देंगे, और जैसे ही डिसकनेक्ट करेंगे तो ऑन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये इसको प्ले पॉज भी कर सकते हैं, रियलमी में सिर्फ पॉज कर सकता है वो, तो अगर आप OnePlus डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ये फीचर आपके फ़ोन के साथ काम करेगा। अब स्लाइटली बेटर IP55 रेटिंग इसके अंदर दी हुई है, तो इसे और ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके कोई सपोर्ट नहीं है कोई OnePlus ऐप की, पर इसके अंदर हमारे को मिलती है ड्यूअल पेयरिंग इन ईयरफोन्स के ऊपर, तो अगर आप रेगुलर एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बटन दिया हुआ है जिसको अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो आपके डिवाइस के बीच में कनेक्शन स्विच हो सकता है। और बेस एडिशन के अंदर आपको ये करना पड़ता है कि कोई बटन नहीं है, पर अगर आप ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएं और वहां से आप सिलेक्ट करें तो आप कनेक्शन को स्विच कर सकते हैं। अब गेमिंग एक्सपीरियंस को नए लेवल पे लेके जाने के लिए OnePlus के अंदर मिलता है 100 मिलीसेकंड्स ऑफ डिले और Neo के अंदर है 88 मिलीसेकंड। देखते हैं। तो ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट Buds Wireless बेस एडिशन के इनलाइन माइक का। अब OnePlus के अंदर कोई भी ऐसे नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलता, पर Realme के अंदर हमारे को मिलता है, तो इसकी साउंड बढ़िया होनी चाहिए इससे। अब बात करें बैटरी लाइफ की, तो हमारे को यहाँ पर अननोन अमाउंट ऑफ बैटरी एमएच मिलता है, पर इस डिवाइस को 2 घंटे 10 मिनट लगे चार्ज करने में, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर 11 घंटे का बैटरी बैकअप मिला एट 100% वॉल्यूम। और साथ में इसकी यहाँ पर हमारे को फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसको चार्ज करें 10 मिनट के लिए तो आपको मिलेंगे 100 मिनट्स ऑफ प्लेबैक, 2 घंटे का चार्जिंग टाइम 30 मिनट्स ब्रो। तो OnePlus को चार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं, और एक बार अगर आप इसको फुल चार्ज कर दें तो इसके अंदर आपको 12 आवर्स ऑफ प्लेबैक मिलता है, और इसके अंदर भी फास्ट चार्जिंग दी हुई है, तो 10 मिनट का चार्ज देगा 10 घंटे का प्लेबैक। अब बात करें सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में किसी भी ऑडियो डिवाइस में होती है, वो है साउंड क्वालिटी।
तो उसके लिए मैं कहूँगा यहाँ पर हमारे को 11.2 मिलीमीटर का ड्राइवर मिलता है इन ईयरफोन्स के ऊपर, जो कि बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है। इसकी बेस काफ़ी सही है, मिड्स भी सही हैं इसके अंदर और हाई एंड भी। मेरा मतलब है कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते प्राइस वाइज, तो और आप इसका साउंड टाइप भी एडजस्ट कर सकते हैं रियल बी लिंक ऐप के थ्रू, तो जो कि बढ़िया चीज़ है। और काफ़ी ज़्यादा लाउड भी हैं ये बाकी इन कंपेरिजन विद अदर ईयरफोन्स। अब वन प्लस के ऊपर हमारे को मिलता है 9.2 मिलीमीटर ड्राइवर, जो कि थोड़ा सा छोटा है रियल मी से, पर साउंड वाइज इसके अंदर काफ़ी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है ये एज कम्पेयर टू रियल मी। और बेस भी इसके काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और क्लियर है, मिड्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, हाइज भी बहुत सही है इसके अंदर। और लाउडनेस वाइज मैं ये कहूँगी 15% लाउडर है नियो से। अब हल्की सी क्लैरिटी भी ज़्यादा है इसके अंदर, हालांकि हम इसके साउंड टाइप एडजस्ट नहीं कर सकते, पर मुझे ये लगा कि कोई भी जॉनर अगर आप इसके सुन रहे हो, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट साउंडिंग लगती है इस ईयरफोन्स में। अब नियो ज़्यादा ओरिएंटेड है बेस हैवी जॉनर्स के लिए और बिल्कुल भी अच्छे परफॉर्म नहीं करते एकूस्टिक पॉप सॉन्ग्स के लिए, पर ये वाले हर एक चीज़ के साथ बेस्ट चलते हैं, मतलब हर एक चीज़ का कोई मुकाबला नहीं इसका। पर मैं कहूँगा अगर प्राइस डिफरेंस यहाँ पर कुछ है तो उससे आप कर सकते हैं कि जी हाँ पैसे ज़्यादा दे रहे हैं तो अच्छी साउंड आ रही है। पर अगर आप साउंड क्वालिटी की वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं साउंड क्वालिटी का, तो डेफिनेटली। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि दोनों ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। एक दो फीचर्स का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब अगर प्राइस को कंसिडर करें तो उस वाइज 1500 रुपये में रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2 नियो काफ़ी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है, बेस हैवी जॉनर्स के लिए बढ़िया रहता है। तो अगर आपके पास 1500 रुपये का ही बजट है तो आप ये लीजिए। पर मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि अगर आपके पास 500 रुपये फालतू में खर्चने को, तो आप पक्का रियलमी बर्ड्स वायरलेस जी बेस एडिशन उठाएं और इससे आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, हर एक गाने सुन पाओगे आप मज़े में। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन, अगर आपके पास सिर्फ 1500 रुपये हैं तो आप ये वाले लीजिए, और अगर आपके पास हैं थोड़े से और पैसे खर्चने को, आप साउंड क्वालिटी और बढ़िया चाहते हैं, तो आप बुलेट्स वायरलेस बेस एडिशन उठा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय बाय।